बेगमगंज में एक साथ करीब 44 लोगों का जो कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने से बेगमगंज पूरे शहर में हड़कंप मच चुका है। करीब 150 से ज़्यादा लोगों के जो है कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ चुकी है। हम दिखाना चाहेंगे बेगमगंज का जो है ये बहुत इलाका है, सागर भोपाल का मार्ग है, यहाँ पर जो है लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन खासा कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। प्रशासनिक अमले ने जो है कल सारे शहर में जो है राउंड लिया था, इसको लेकर सजग भी किया था लोगों को। मंगलवार तक के लिए पूरे संपूर्ण लॉकडाउन बेगमगंज में लगा हुआ है। बाबा जी हम दिखाना चाहेंगे, ये जो है भोपाल रोड है, भोपाल रोड पर अमूमन देखा जा रहा है अमूमन सारे लोग बेवजह अपने घरों से निकल रहे हैं। देख जैसा कि हम अपने बच्चों को दिखा पाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई गंभीर कोरोना को लेकर इस मामले को लेकर नहीं है। सड़क चल रही है, लगातार जो है वाहनों की जो है आवाजाही देखी जा रही है। ये जो है बेगमगंज का पौष इलाका कहलाता है, गांधी बाजार, जहाँ पर हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे लगातार जो है सड़क से लोगों का आना जाना लगा हुआ है। हम वहाँ भी दिखाना चाहेंगे, लोग बराबर जो है गंभीरता जो नहीं दिखा रहे हैं। और इस पूरे मामले में जो है स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल ही जो है निकम्मा बना हुआ है, उनसे बात करने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन बराबर जो है इस मामले में बात करने को तैयार नहीं होते हैं। अब देखना ये होगा इस खबर के चलने के बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आता है या नहीं। हालांकि सरकार ने जो है प्रशासन ने बराबर जो है लॉकडाउन लगा रखा है, मंगलवार तक का लॉकडाउन लगा रखा है, लेकिन बावजूद उसके लोग अपने घरों से बेवजह निकल रहे हैं और जो है कोरोना जैसी महामारी में जो है पॉजिटिव हो रहे हैं, बावजूद उसके लेकिन लोग गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। राशिद मीर, बेगमगंज।